हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ब्रजेश। मैं ब्रजेश कुमार आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ BSNL के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूं। तब वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, आपका सबसे ज़्यादा डाउट है BSNL मई सैलरी। तो BSNL की मई सैलरी अब पेड हो चुकी है। BSNL की मई सैलरी आपके जो अकाउंट हैं उनमें आ चुकी है, और जिस जगह नहीं आई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस जगह आपकी सैलरी नहीं आई है, तो उसकी मैं वीडियो अलग से और बनाऊँगा। BSNL की जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है। 15 दिन से तो ऑलरेडी लेट चल ही रही है और अब 1 महीने लेट हो चुकी है। तो BSNL अब ज़्यादा ही स्थिति ख़राब चल रही है BSNL की, लेकिन अब BSNL की स्थिति सुधरने का टाइम आ गया है। हमारी भारत सरकार PMO मोदी ने अब कह दिया है कि हम आपको देंगे अब 4G स्पेक्ट्रम। 4G स्पेक्ट्रम हम देंगे आपको। तो जो BSNL की 4G टेंडर था वो रद्द हो चुका है। कहाँ वाला? चाइनीज वाला जो उसका टेंडर हुआ था पहले, कि PMO ने कह दिया था कि चलो जहाँ हो कहीं से भी लो जाओ, अपना जल्दी से चालू करो। लेकिन अब जो इंडिया और चाइना की सेना आपस में टकरार कर रही है, क्योंकि हमारे जो 20 स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब स्वतंत्रता नहीं मतलब कि हमारे सेनानी थे, जो हमारे 20 सेनानी थे, हमारे 20 सैनिक थे, वो चाइनीज सैनिकों ने मार दिए, उनको वीर गति प्राप्त हुई। चलिए, अब PMO मोदी ने कहा है कि हमारे जब सैनिक मारे गए हैं तो हम भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम भी बदला लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो इसीलिए पहले तो PMO ने कहा है, हमारे मोदी जी ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है, हमारे DOT ने कहा है कि सबसे पहले जो टेंडर हुआ है, हम ऐसी जो चाइनीज के जो टेंडर है किसी देश से नहीं लेंगे। चाइनीज के जो इतने बड़े देश हैं, उसके तरफ के देश हैं, उससे किसी से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी घटेगी और उसकी करेंसी बढ़ेगी, तो दुश्मन हमसे ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा। तो इसीलिए PMO ने कहा है कि मेड इन इंडिया से आपको सामान खरीदना है, वो है टेक महिंद्रा और एक कंपनी और है जिसका नाम मैं बता दूंगा आपको। और पूरी जो 4G की जो टेंडर की जानकारी लेने के लिए मेरी दूसरी वीडियो है चैनल पर, उसे जाकर आप देख सकते हैं। और अब जो टेक महिंद्रा और जो DOT है, हमारा दूरसंचार विभाग है DOT, उसने कह दिया कि अब तुम्हें हम दिलाएंगे 4G स्पेक्ट्रम। तो मेक इन इंडिया की जो कंपनी है टेक महिंद्रा, उससे 4G स्पेक्ट्रम खरीदा जाएगा। और BSNL के जो DOT विभाग ने BSNL के लिए 8 सदस्य समिति, मतलब कि 8 लोगों की एक अलग से ग्रुप बनाया है 8 लोगों का, जिसके लिए कहा है कि आप 4G स्पेक्ट्रम को लगा हुए आपके अंतर्गत जो काम करेंगे वो आपके अंतर्गत BSNL का काम है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा और BSNL एक बहुत ही अच्छी कंपनी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम 4G स्पेक्ट्रम के बारे में। तो 4G स्पेक्ट्रम BSNL को मिल गया है, और मैंने पहले भी बता दिया 4G स्पेक्ट्रम मिल गया है और BSNL अब बहुत ही अच्छी कंपनी हो जाएगी। अब बात करें हम कि किस जगह लग चुका है, किस जगह नहीं लगा है, हमारी जो सिम है वो अपग्रेड कैसे कराएं। चलिए, तो BSNL का जो 4G है वो केरला में लग चुका है, जिसके लिए सरकार ने कहा है कि कुछ वहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको कम किया जाएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ज़्यादा व्यय है, तो वहाँ से तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको कट करके और जो सैलरी है उनके लिए दे दी जाएगी, तो कुछ सैलरी कम हो जाएगी। जो BSNL का खर्चा है वो कुछ कम हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कम करने से केरला के लिए। एक खास वीडियो केरला के लिए भी हो सकती है और सभी के लिए तो खास है ही। और केरला में लग चुका है, गोरखपुर में लग चुका है, सोनभद्र में लग चुका है, केरला में चालू हो चुका है, सोनभद्र और गोरखपुर में चालू नहीं है लेकिन लग चुका है 4G नेटवर्क। और जो BSNL के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं
उनकी बात करूं तो वो कह रहे हैं कि सर, मुझे कमेंट आती है कि सर हमारी सैलरी कब मिलेगी, सर हम बहुत परेशान हैं, सर ये है, सर वो है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए, मेरी जो ट्वीट है उसे रीट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसके बाद में जो तुम्हारी रीट्वीट है, मेरी री ट्वीट है, मेरी तुम्हारे द्वारा करी गई रीट्वीट वो ट्रेंड कर सकती है। आप अगर 1,000 लोग कर सकते हैं, मतलब 1,000 लोग आप रीट्वीट कर सकते हैं, तो 1,000 तक तो मेरी वीडियो पहुंच ही रही होगी। तो 1,000 तक आप कर सकते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी सैलरी मिल सकती है। आपकी सैलरी मिलने के 100% चांसेस हैं कि आपकी सैलरी मिल सकती है। आपको अभी सैलरी मिली है 13-14 महीने में, 1 महीने की सैलरी मिली है, तो आपकी 1 महीने की सैलरी से क्या हो रहा है? तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए और मेरी जो ट्वीट है उसे रीट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी जो सैलरी है अगर आप करवा देते हैं, 1,000 रीट्वीट कर देते हैं, तो आपके जो ट्रेंड कर जाएगा और आपकी सैलरी ज़्यादा तो कह नहीं सकता, लेकिन आपकी 6 महीने की सैलरी मिलने के 100% चांसेस हैं। तो जाइए और मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए और मेरी जो ट्वीट है उसे रीट्वीट कीजिए। चलिए अब करते हैं बात हम BRS के बारे में। जो BRS है, BRS के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है खास, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, BRS तभी मिलेगा जब BSNL 4G लगा देगा। BSNL का 4G का काम चल रहा है, लेकिन अभी कोई इतना परफेक्टली नहीं चल रहा है, कि इतनी तेज़ी से नहीं चल रहा है कोई कि खूब तेज चल जाए। लेकिन हाँ, BSNL का 4G काम चलेगा जब जैसे ही इसे 4G नेटवर्क का जो स्पेक्ट्रम है वो मिलेगा। 4G स्पेक्ट्रम मिलते ही BSNL एक बहुत ही अच्छी कंपनी होने वाली है। छोड़िए जो BSNL अभी चल रही है, पीछे पास्ट में रह चुकी है जो बुरी कंपनी, लेकिन अब एक अच्छी कंपनी होने वाली है। पीछे भी बहुत अच्छी कंपनी रही है, क्योंकि जो BSNL की जो डूबने की इसमें सहायता की गई है, डूबने में सहायता, तो इसमें सबसे ज़्यादा सरकार की हो सकती है, क्योंकि दूरसंचार विभाग की हो सकती है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां थी, जो और खिलाड़ी थे, जिन्हें खिलाड़ी भी कहते हैं, जो और कंपनियां थी उनके लिए पहले दे दिया गया 4G नेटवर्क, लेकिन BSNL को कुछ भी नहीं। BSNL का 2G और उनका 4G, तो जैसे ही लोगों को मिली दूनी स्पीड मिली, तो लोग इसके पास क्यों रहेंगे? उसके पास पहुँचे, वहाँ से उसने 6 महीने तक फ्री चलाया, जियो ने नेटवर्क कॉल सब फ्री कर दिया और अपनी कंपनी को उठा ले गया। लेकिन BSNL का ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर BSNL करता तो BSNL बहुत ही अच्छी कंपनी हो जाती। अगर 4G नेटवर्क BSNL को मिल जाता पहले से ही, तो BSNL कभी ज़िंदगी में डूबने वाली कंपनी नहीं होती। और बात करें इसमें कि BSNL अब कैसे उठ सकता है, BSNL अब ये उठ सकता है क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने BSNL की अपेक्षा बहुत ही महंगी कर दी है रिचार्ज, और लोग रिचार्ज ही नहीं कर पा रहे, तो BSNL और लाएगा 4G नेटवर्क लाएगा, उनसे अच्छी स्पीड देगा, क्योंकि BSNL का 2G उनकी 3G के बराबर है और उनका 4G इसके 3G के बराबर है। 3G इसका इतना अच्छा चलता है, इतना अच्छा चलता है, कुछ कम चलता है, और अगर 4G होगा तो कितनी तेज़ चलेगा, और ये उसमें सर्विसेज भी अच्छी देता है, क्योंकि उसके साथ साथ 4G नेटवर्क के साथ साथ ही अब वाईफाई भी ला रहा है, वाईफाई से आपको आधे घंटे तक फ्री नेट चलाने को मिलेगा। 20 Mbps 20 Mbps इसकी स्पीड होगी, जिसमें आप 2 मिनट में एक मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिससे कि आप एक दिन मूवी, मतलब 2 मिनट मूवी डाउनलोड करेंगे और पूरे दिन इसको देखेंगे, तो कितना मतलब कि अच्छा कर रहा है BSNL, और कोई कंपनी अदर कंपनी ऐसा नहीं करी। अगर आपको पूरे दिन इसका सुविधा लेनी है BSNL की जो वाईफाई की, तो उसके लिए आपको 13, 14, 25, 45 कुछ ऐसे रिचार्ज हैं जो आपको रिचार्ज कराने पड़ेंगे, और पूरे दिन 20 Mbps की स्पीड लोगे, तो कितना अच्छा है BSNL 4G नेटवर्क। तो BSNL 4G नेटवर्क इतना अच्छा कर रहा है कि 14 रुपये में आपको पूरे दिन दे रहा है, 20 Mbps आपके कोई काम नहीं रोक रहा है, और ये जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये
मतलब 400 रुपये का रिचार्ज करवा रहे हैं फिर भी ऐसी स्पीड दे रहे हैं जिसमें वीडियो अटक रही है, वीडियो तक नहीं देख पा रहे हैं आप, तो पैसा आता काम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करें BRS के बारे में, तो BRS के बारे में एक बार बात कर चुके हैं, दोबारा से करते फिर से कि BRS की अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है और आप बैठे रहिए, हाथ पर हाथ रखें, क्योंकि अभी BSNL बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि उसके लिए नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जैसे ही नेटवर्क मिलेगा BSNL बहुत जल्दी चलेगा और आपका भी जो पेंशन है सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो ज़रूर देगा। और जो मेडिकल बिल है उसके बारे में बात करें कि मेडिकल बिल भी जल्दी से ही मिलने वाला है, क्योंकि मेडिकल बिल भी 4G नेटवर्क मिलने के बाद ही होगा, क्योंकि BSNL भी बहुत दबा हुआ चल रहा है, जिससे कि BSNL अपना जो खर्चा खाने पीने का खर्चा है, जो उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है मतलब खाने पीने का खर्चा वही हुआ, उनकी भी सैलरी नहीं दे पा रहा है, तो जो अदरवाइज सैलरी है अदरवाइज पेमेंट है वो कैसे कर पाएगा। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की फिर से एक बार बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में आने वाले एक और वर्कर जो गार्ड जिनके यहाँ टावर लगे हुए हैं उनके लिए भी सैलरी मिल चुकी है 2 महीने की। अगर उनके लिए जहाँ मिल चुकी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कहाँ मिल चुकी है कहाँ नहीं मिल चुकी है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मैं ज़रूर बताता हूँ आपको कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी क्या डाउट है आपका, और आपको कहाँ सैलरी मिली है मई की, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की, और हाँ, ट्विटर पर जाकर मुझे फॉलो करके रीट्वीट जरूर करिए, कमेंट करो और लाइक करो, जाके धमाल मचा दो। और आपकी सैलरी मैं ज़्यादा तो कह नहीं सकता कि आपकी सैलरी 6 महीने की मिलने के 100% चांसेज है। तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़रूर कीजिए मुझे फॉलो ट्विटर पर और रीट्वीट जरूर कीजिए। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।